अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद अबरार चुगताई और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वायरमेंट टाइप्स। हम इंटेलिजेंट एजेंट्स पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उसमें अब हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी किस्म के इन्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास इन्वायरमेंट है वो है फुली ऑब्जर्वेबल वर्सेज पार्शली ऑब्जर्वेबल। फिर दूसरा क्या है, डिटर्मिनिस्टिक वर्सेज क्या है, स्टोस्टिक। उसके बाद क्या है हमारे पास, एपिसोडिक वर्सेज सिक्वेंशियल। ठीक है, फिर सिंगल एजेंट वर्सेज मल्टी एजेंट, स्टैटिक वर्सेज डायनामिक और डिस्क्रीट वर्सेज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं कि इनमें क्या कुछ आ रहा है। कि फुली ऑब्जर्वेबल और पार्शली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट किस तरह से होता है। ठीक है, फुली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट में क्या होता है कि जो हमारे पास एजेंट का सेंसर होता है, ठीक है, ये कंप्लीट स्टेट, जो उस इन्वायरमेंट की कंप्लीट स्टेट होती है उसको सेंस और एक्सेस कर सकता है। ठीक है, ईच पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब हर वक्त। ठीक है, और फिर होता है कि इट इज़ अ फुली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट, अगर ऐसा नहीं है तो ये पार्शली है। ठीक है, और फिर क्या है कि फुली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट इज ईजी एज देर इज नो नीड टू मेंटेन द इंटरनल स्टेट टू कीप ट्रैक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। क्या कहता है कि इसको जो बैक लुक नहीं करना पड़ता, ठीक है ना, इसको हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है, जो करंट सिचुएशन है उसको वो सारा रीड कर रहा होता है। ठीक है, फिर क्या है कि एजेंट विद नो सेंसर्स, ठीक है, कि अगर किसी एजेंट के कोई सेंसर ही नहीं है उस इन्वायरमेंट में तो वो इन्वायरमेंट क्या कहलाता है, अनऑब्जर्वेबल, क्योंकि कोई सेंसर ही नहीं है तो ऑब्जर्वेशन किस चीज़ से होगी। ठीक हो गया, इसके बाद हम देखते हैं कि डिटर्मिनिस्टिक कौन सा होता है इन्वायरमेंट। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि अगर क्या होता है, जो एजेंट जो है करंट स्टेट जो उसने सिलेक्ट की हुई है, करंट स्टेट और जो सिलेक्टेड एक्शन है, ठीक है, अगर वो डिटरमिन कर सकता है कि नेक्स्ट स्टेट हमारी क्या होगी इन्वायरमेंट से, ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट क्या कहलाता है, डिटर्मिनिस्टिक। ठीक है, कि उसको पता है, वो डिटरमाइन कर रहा है कि मेरी नेक्स्ट स्टेट क्या हो सकती है। ठीक है, नहीं तो फिर क्या होगा कि अगर उसको नहीं पता कि मेरी नेक्स्ट स्टेट क्या है, ठीक है, और वो पहले से ही उस चीज़ को डिटरमाइन नहीं कर सकता तो फिर वो क्या होगी, स्टोस्टिक इन्वायरमेंट। ठीक हो गया, अब यहाँ पर क्या लिखा है कि एंड में देखें, इन अ डिटर्मिनिस्टिक फुली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट एजेंट डज नॉट नीड टू वरी अबाउट अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो डिटर्मिनिस्टिक में क्या है, उसको ऑलरेडी हर चीज़ पता है तो अनसर्टेनिटी नहीं है। जबकि उसके अपोजिट देखते हैं तो क्या है कि रैंडम इन नेचर, कि कुछ भी हो सकता है, एंड कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड कम्प्लीटली बाय एन एजेंट, कि उस एजेंट को पता नहीं होता कि नेक्स्ट स्टेट हमारे पास कौन सी आने वाली है। ठीक हो गया, इसके बाद हम देखते हैं एपिसोडिक वर्सेस सिक्वेंशियल। अब एपिसोडिक में क्या है, देयर इज अ सीरीज ऑफ वन शॉर्ट एक्शंस। ठीक है, कि वन शॉर्ट एक्शंस की एक उसके पास क्या है, सीरीज है, एंड ओनली द करंट परसेप्शन इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्शन। ठीक है, जो करंट सिचुएशन चल रही है, ठीक है, उसकी बेस पर जो परसेप्शन है उसकी बेस पर क्या कर देगा, एक्शन लेगा। जबकि सिक्वेंशियल में क्या होगा, इन सिक्वेंशियल इन्वायरमेंट एन एजेंट रिक्वायर्स मेमोरी ऑफ अ पास्ट एक्शन टू डिटरमिन द नेक्स्ट बेस्ट एक्शन। ठीक है, उसको पास्ट यहाँ पर नॉलेज चाहिए, जबकि एपिसोडिक में क्या होगा, उसको करंट जो एक्शन है, जो इन्वायरमेंट की सिचुएशन हैं उसकी बेस पर। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, चौथे नंबर पे, सिंगल एजेंट वर्सेस मल्टी एजेंट। ठीक है, इफ ओनली वन एजेंट इज इन्वॉल्व इन एन इन्वायरमेंट, ठीक है, सिर्फ एक ही इन्वायरमेंट होगा, एक ही एजेंट होगा एंड ऑपरेटिंग बाय इटसेल्फ, देन सच एन इन्वायरमेंट इज कॉल्ड सिंगल एजेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, एक ही एजेंट है और वो खुद ही अपने आप को ऑपरेट कर रहा है। जबकि मल्टीपल एजेंट्स में क्या होगा, If multiple agents are operating in environment, then such an environment is called multi-agent environment. The agent design problems in the multi-agent environment are different from single-agent environment.
ठीक है, तो वो जो इन्वायरमेंट डिज़ाइन करना है डेफिनेटली उसमें एक ही सिंगल में क्या है, सिर्फ एक ही आपके पास एजेंट है तो उसके हिसाब से अपने इन्वायरमेंट डिज़ाइन किया हुआ है, सारे सिनेरियोज उसके हिसाब से हैं, ठीक है। जबकि मल्टी में उस सिचुएशन को देखते हुए डिज़ाइन किया जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टैटिक वर्सेस डायनामिक इन्वायरमेंट। इफ द इन्वायरमेंट कैन चेंज इटसेल्फ व्हाइल एन एजेंट इज डिलिबरेटिंग देन सच इन्वायरमेंट इज कॉल्ड अ डायनामिक इन्वायरमेंट, एल्स इट इज कॉल्ड स्टैटिक इन्वायरमेंट। तो डायनामिक में क्या है, डायनामिक में चेंजेस, ठीक है, वो जो एजेंट है वो क्या कर रहा है, चेंजेस लेके आ रहा है, ठीक है। जबकि स्टैटिक में क्या होगा, जो फंक्शन है जो कुछ है वो वैसे ही परफॉर्म होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। अब स्टैटिक एनवायरनमेंट आर इजी टू डील बिकॉज एन एजेंट डज नॉट नीड टू कंटिन्यू लुकिंग एट द वर्ल्ड व्हाइल डिसाइडिंग फॉर एन एक्शन, ठीक है। कि स्टैटिक में क्या है, उसको जरूरत ही नहीं है कि वो कोई डिसीजन मेकिंग करे, ठीक है। जबकि डायनामिक में क्या होगा, डिसीजन मेकिंग हो रही है, ठीक है, इंटरेक्शन हो रही है डेटाबेस के साथ, ठीक है, वो उसका जो नॉलेज है उसके साथ वो इंटरेक्ट करेगा कि जो मेरे पास सिचुएशन आई है इसका पास्ट में मेरे पास इसका नॉलेज है या नहीं है। स्टैटिक में क्या है, जो सिचुएशन है उसी की बेस पर उसने परफॉर्म करना है। हाउएवर फॉर डायनामिक एनवायरनमेंट एजेंट्स नीड टू कीप लुकिंग एट द वर्ल्ड एट ईच एक्शन, ठीक हो गया। अब यहाँ पर एग्जाम्पल है कि टैक्सी ड्राइविंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायनामिक एनवायरनमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि कोई ऑटो ड्राइविंग टैक्सी है तो उसके लिए क्या है, डायनामिक है कि वो रोड पर चल रही है तो उसके सामने सिचुएशन चेंज होगी, हमेशा सेम सिचुएशन नहीं आएगी, ठीक है। कि अब एक रोड से वो अगर वो एक दफ़ा ड्राइव किया है तो ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम भी वो रोड वैसे ही हो, इस दफ़ा कोई हर्डल्स भी हो सकती हैं सामने, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट्स भी आ सकते हैं। जबकि स्टैटिक में क्या है, जैसे कि क्या है, क्रॉसवर्ड पजल्स आर एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक एनवायरनमेंट, कि उसमें जो कंडीशंस हैं वो प्री डिफाइंड है, वो हमेशा वही रहनी है, ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारे पास है वो है डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस, ठीक है। इफ एन एनवायरनमेंट देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ परसेप्ट्स एंड एक्शंस दैट कैन बी परफॉर्म विद इन इट देन सच एन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड अ डिस्क्रीट एनवायरनमेंट, एल्स इट इज कॉल्ड कंटीन्यूअस एनवायरनमेंट, ठीक है। कि हमारे पास के गिनी चुनी जो हैं परसेप्शंस मौजूद हैं, ठीक है, कि वही परसेप्शंस हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट हैं, फाइनाइट हैं, ठीक है। उसकी बेस पर जो भी वो फंक्शंस परफॉर्म होंगे, एक्शंस परफॉर्म होंगे, ठीक है, तो वो एनवायरनमेंट हमारे पास क्या है, डिस्क्रीट है। अब कॉन्टीन्यूस में क्या होगा, नहीं तो वो कॉन्टीन्यूस है। अब क्या लिखा है, चेस गेम कम्स अंडर डिस्क्रीट एनवायरनमेंट, ठीक है, कि उसमें भी क्या है, हमारे पास जो मूव्स हैं वो फाइनाइट हैं, ठीक है। एज देयर इज अ फाइनाइट नंबर ऑफ मूव्स दैट कैन बी परफॉर्म, और सेल्फ ड्राइविंग कार इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टीन्यूस एनवायरनमेंट। तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि उसके लिए क्या होगा कि जो पॉसिबिलिटीज हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं हर दफ़ा, ठीक हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एजेंट्स की टाइप्स, क्या हमारे पास जो एजेंट्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे उनकी कितनी टाइप्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इनको 5 क्लासेस में इनको कैटेगराइज किया है ऑन द बेस ऑफ परसीव्ड इंटेलिजेंस एंड कैपेबिलिटी, ठीक हो गया। ऑल दिस एजेंट्स कैन इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस एंड जनरेट बेटर एक्शन ओवर द टाइम। तो कौन कौन से, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स, मॉडल बेस रिफ्लेक्स एजेंट्स, गोल बेस एजेंट्स और लर्निंग एजेंट्स। तो देखते हैं कि सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स कौन से होते हैं। सबसे जो सिंपलेस्ट एजेंट्स हैं वो कौन से, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स, ठीक है। अब ये जो एजेंट्स होते हैं जो करंट हमारी परसेप्शन होती है उसके बेस पर डिसीजन लेते हैं, ठीक है, और जो प्रीवियस नॉलेज उनके पास होता है, ठीक है, उसको वो इग्नोर करते हैं, ठीक है। अब क्या है, दिस एजेंट्स ओनली सक्सीड इन द फुली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो हमने एनवायरनमेंट पहले पढ़े हैं, तो जो फुली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट होगा उसमें ये सही तरह से वर्क करते हैं, ठीक है। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स डज नॉट कंसीडर एनी पार्ट ऑफ द परसेप्ट्स
हिस्ट्री ड्यूरिंग देयर डिसीजन एंड एक्शन, तो वही बताया कि फिर क्या है कि सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट वर्क्स ऑन कंडीशन एक्शन रूल, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या है कंडीशन एक्शन रूल, विच मीन्स इट मैप्स द करंट स्टेट टू द एक्शन, ठीक है। कंडीशन एक्शन रूल के जो कंडीशन है उसकी बेस पर ही वो एक्शन परफॉर्म होगा, सच एज अ रैंडम रूम क्लीनर एजेंट, ठीक है। रूम क्लीनर एजेंट्स की बेस पर क्या, इट वर्क्स ओनली इफ देयर इज अ डर्ट इन द रूम, ठीक है ना। हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था रूम क्लीनर की एग्जांपल ली थी कि अगर डर्ट होगी तो वो परफॉर्म करेगा, ठीक है, अपनी लोकेशन वाइज लेफ्ट राइट मूव करेगा और फिर क्या करेगा, क्लीनिंग करेगा। अगर डर्ट ही नहीं है फिर क्या होगा, नो ऑपरेशन, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रॉब्लम्स फॉर द सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट डिजाइन अप्रोच, कौन से प्रॉब्लम है, दे हैव वेरी लिमिटेड इंटेलिजेंस, ठीक है। डेफिनेटली उसके इंटेलिजेंस भी कम होगी, सिंपल है और लिमिटेशंस हैं उस पर। दे डू नॉट हैव नॉलेज ऑफ नॉन प्रिसिपिटल पार्ट्स ऑफ द करंट स्टेट, ठीक है, मोस्टली टू बिग टू जनरेट एंड टू स्टोर, ठीक है। नॉट अडेप्टिव टू चेंजेस इन द एनवायरमेंट, कोई नई चेंजेस को ये परसीव नहीं करेंगे। फिर हमारे पास हैं मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स, ठीक है। अब इसमें क्या था, मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स कैन वर्क इन अ पार्शली ऑब्जर्वेबल एनवायरमेंट, ठीक है। सिंपल रिफ्लेक्स में क्या था, वो फुली ऑब्जर्वेबल में था, अब ये पार्शली में है, एंड ट्रैक द सिचुएशन, और सिचुएशन को भी ये ट्रैक करेंगे, ठीक है। अब मॉडल बेस्ड एजेंट हैज टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, कौन से, एक तो मॉडल, इट इज नॉलेज अबाउट, मॉडल क्या है, हाउ थिंग्स हैपन इन द वर्ल्ड, सो इट इज कॉल्ड मॉडल बेस्ड एजेंट। और दूसरी चीज क्या है, इंटरनल स्टेट, इंटरनल स्टेट क्या, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द करंट स्टेट बेस्ड ऑन द परसेप्ट हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद क्या है कि दीज एजेंट्स हैव अ मॉडल विच इज अ नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड एंड बेस्ड ऑन द मॉडल दे परफॉर्म एक्शंस, कोई ना कोई मॉडल है, और मॉडल क्या है, नॉलेज, और उस नॉलेज की बेस पर क्या होगा, स्टेट्स परफॉर्म होंगे, ठीक है, एक्शन परफॉर्म होंगे। अपडेटिंग द एजेंट स्टेट रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन अबाउट, क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व्स, कि आपने उस एजेंट की स्टेट को अगर अपडेट करना है तो ये नॉलेज चाहिए कि जो वर्ल्ड है ये किस तरह से इंटरेक्शन हो रही है, ठीक है, किस तरह से फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। फिर क्या है, हाउ द एजेंट्स एक्शन इफेक्ट्स द वर्ल्ड, कि जो एजेंट है जो एक्शंस वो परफॉर्म कर रहा है उसका इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें चाहिए होंगी। अब हमारे पास नेक्स्ट जो मॉडल है वो है गोल बेस्ड एजेंट्स, ठीक है, सॉरी एजेंट्स की जो टाइप है वो है गोल बेस्ड, कोई ना कोई गोल डिफाइन होगा उसकी बेस पर एजेंट वर्क करेगा। तो देखते हैं क्या है, द नॉलेज ऑफ द करंट स्टेट, द नॉलेज ऑफ द करंट स्टेट इन्वायरमेंट इज नॉट ऑलवेज सफिशियंट टू डिसाइड फॉर एन एजेंट टू वट टू डू, ठीक है। कि क्या है कि जो करंट हमारे पास जो करंट स्टेट है जिसमें वो फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, सिर्फ उसका नॉलेज ही काफ़ी नहीं है एजेंट के लिए डिसीजन मेकिंग के लिए, एजेंट नीड्स टू नो इट्स गोल विच डिस्क्राइब डिजायरेबल सिचुएशंस। अब यहाँ पर एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क करेगी कि उसके पास एक गोल है कि उसने ये काम परफॉर्म करना है, ठीक है, उसको फिर उसके बेस पर ही सिचुएशंस को देखेगा कि इस गोल तक मैंने पहुँचना है तो मैं किस तरह से इस गोल तक पहुँचूँ। गोल बेस्ड एजेंट एक्सपेंड द कैपेबिलिटी ऑफ द मॉडल बेस्ड एजेंट बाई हैविंग द गोल इन्फॉर्मेशन, तो वो कह रहे हैं कि मॉडल बेस्ड को ही एक्सपेंड किया गया है जिसमें फर्दर इंफॉर्मेशन क्या है कि हमारे पास एक गोल भी डिफाइन हो चुका है कि ये गोल है, दे चूज एन एक्शन सो दे कैन अचीव द गोल, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि उसके पास गोल होगा तो उसकी बेस पर वो एक्शन परफॉर्म करेगा। दीज एजेंट्स मे हैव टू कंसीडर अ लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ अ पॉसिबल एक्शंस बिफोर डिसाइडिंग वेदर द गोल इज अचीव्ड और नॉट। उस वो क्या कह रहे हैं कि एक्शन परफॉर्म करने से पहले वो एक सीक्वेंस, ठीक है, वो पॉसिबल एक्शंस के क्या कह रहे हैं कि पॉसिबल एक्शंस जो हैं वो पहले से ही सिलेक्ट कर लेगा, ठीक हो गया। सच कंसिडरेशन ऑफ अ डिफरेंट सिनेरियोज आर कॉल्ड सर्चिंग एंड प्लानिंग विच मेक्स एन एजेंट प्रोएक्टिव,
ठीक है, आगे हम टेक्निक्स पढ़ेंगे सर्चिंग की, तो वहाँ पर आपको इस बात की और भी समझ लग जाएगी कि हमारे पास कोई ना कोई एक गोल होगा, हमने उस गोल तक पहुँचना है, ठीक है, उस बेस पर ही हम अपने एक्शंस परफॉर्म करेंगे। हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ होंगी कि हम ये वाला वे भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाला वे भी यूज़ कर सकते हैं, फिर डिसीजन होगा कि कौन सा वे बेस्ट है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ एक ही हमारे पास वे हो गोल तक पहुंचने का, दो तीन भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें से डिसीजन मेकिंग करनी है कि एफिशिएंट कौन सा है, जिस पर हमारे रिसोर्सेज कम लगे, टाइम कम लगे, कॉस्ट कम लगे हमें। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स। अब ये क्या है, दीज एजेंट्स आर सिमिलर टू द गोल बेस बट प्रोवाइड एन एक्स्ट्रा कंपोनेंट ऑफ यूटिलिटी मेजरमेंट विच मेक्स देम डिफरेंट By providing a measure of success at a given state, के goal based की तरह ही हैं, मगर इनमें क्या है कि utility measurement का एक नया feature add हो गया। अब कैसे है, utility based agents acts based not only goal but also the best way to achieve the goal। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि उसके जैसे कि हमने कहीं जाना है, हमारे पास तीन से चार रास्ते हैं, हम देखेंगे कि किस रास्ते से जाएं तो हमें टाइम कम लगेगा। ठीक है, कौन सा, अब ये बात नहीं है कि कौन सा रास्ता शॉर्ट है और कौन सा रास्ता लॉन्ग है, हो सकता है जो शॉर्ट है उस पर ट्रैफिक ज़्यादा हो, हमें वहाँ पर टाइम ज़्यादा लगे, जो लॉन्ग है उस पर ट्रैफिक नहीं है, हमें टाइम वहाँ पर कम लगे। तो इस चीज़ को उसने डिफाइन करना है कि बेस्ट वे कौन सा उस गोल को अचीव करने का। The utility based agent is useful when there are multiple possible alternatives and an agent has to choose in order to perform the best action. वही बात कि बहुत सारे आपके पास options हैं, आपने best option choose करना है, तो ये utility based हो गया। The utility function maps each state to the real number to check how efficiency each action achieves the goal. वही बात कि utility function क्या करेगा, ठीक है, कि यूटिलिटी फंक्शन क्या करेगा, उसकी एफिशिएंसी को मेजर करेगा। ठीक है, कि कितना एफिशिएंट है ये वाला सॉल्यूशन, ये वाला ऑप्शन हमारे लिए उस गोल को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है लर्निंग एजेंट्स। ठीक है, अब क्या है कि लर्निंग एजेंट इन AI इज द टाइप ऑफ एजेंट विच कैन लर्न फ्रॉम इट्स पास्ट एक्सपीरियंसेस और इट्स हैज लर्निंग कैपेबिलिटीज। ठीक है, कि ऐसा एजेंट जो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से भी लर्न करने का, सपोज हम एक रास्ते से जा रहे हैं, हमें ये एग्जांपल आपको पहले भी दिया कि आपको पता चला कि ये रास्ता इस पर ट्रैफिक ज़्यादा है, हमें इस पर टाइम ज़्यादा लगेगा, हमने सुना कि ये शॉर्ट है, लेकिन जब हम वहाँ से गए पता चला इस पर ट्रैफिक ज़्यादा है, ठीक है, और टाइम ज़्यादा लगा, तो इस चीज़ को वो एजेंट क्या होगा, अपने एक्सपीरियंस में रखेगा और नेक्स्ट टाइम जब डिसीजन लेना होगा तो वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस को भी यूज़ करेगा। इट स्टार्ट्स टू एक्ट विद बेसिक नॉलेज एंड देन एबल टू एक्ट एंड अडॉप्ट ऑटोमेटिकली थ्रू लर्निंग। ठीक है, आपने कोई भी ऑटो ड्राइव कार की बात ही कर लेते हैं, उसको अपने गोल दे दिया कि आपने इस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। ठीक है, तो उसके पास प्रीवियस नॉलेज भी होगा। ठीक है, कि इस रास्ते से जाएंगे तो इतना टाइम लगेगा, इतना फ्यूल लगेगा, अगर इस रास्ते से जाएंगे तो टाइम तो उतना ही लगा लेकिन फ्यूल ज़्यादा लगा, और अगर थर्ड जो ऑप्शन है वहाँ से जाते हैं तो टाइम भी कम लगा और फ्यूल भी कम लगा। तो डिफरेंट उसके पास नॉलेज पहले से मौजूद हैं, प्रीवियस, उसकी बेस पर वो लर्न करेगा। ठीक है, या हम इस तरह एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई रोबोट है, उसको आपने जिस तरह किसी भी जगह पर उसको छोड़ दिया, फील्ड्स में सपोज छोड़ दिया, कि आजकल एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा रोबोटिक्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्रीकल्चर में भी यूज़ हो रही है, कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सपोज कोई रोबोट है, उसको आपने किसी खेत में छोड़ दिया, अब वो जा रहा है, आगे से गड़ा आ जाता है तो वो गिर जाता है। ठीक है,
तो नेक्स्ट टाइम वो अपना ये नॉलेज में ये चीज़ लिख लेगा कि इस एंगल से अगर मैं मूव करता हूँ तो क्या होगा, आगे गढ़ा आएगा। तो फिर नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा, उसको उससे लर्निंग करेगा कि इतने आगे तक जाऊंगा तो मुझे यहाँ से टर्न लेना चाहिए। ओके तो अब क्या है, अ लर्निंग एजेंट हैज मेनली फोर कंसेप्चुअल कंपोनेंट्स। कौन से हैं लर्निंग एलिमेंट? लर्निंग एलिमेंट क्या होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इम्प्रूवमेंट्स बाय लर्निंग फ्रॉम इन्वायरमेंट। वही बात कि आप क्या करते हो, जो अब इन्वायरमेंट से लर्न कर रहे हो तो उससे अपने नॉलेज में क्या करते हैं, इम्प्रूवमेंट्स लेके आए। फिर क्या है, क्रिटिक्स, लर्निंग एलिमेंट टेक्स फीडबैक फ्रॉम क्रिटिक्स विच डिस्क्राइब्स दैट हाउ वेल द एजेंट इज डूइंग विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। ठीक है, कि फीडबैक की बेस पर ही वो फिर अपने फ्यूचर में जो है एक्शंस को परफॉर्म करेगा। ठीक हो गया। उसके बाद सी हमारे पास क्या है, परफॉर्मेंस एलिमेंट, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्टिंग एक्सटर्नल एक्शंस। ठीक है, और डी क्या है, प्रॉब्लम जनरेटर, दिस कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सजेस्टिंग एक्शंस दैट विल लीड टू न्यू एंड इंफॉर्मेटिव एक्सपीरियंसेस। हेंस लर्निंग एजेंट्स आर एबल टू लर्न एनालाइज परफॉर्मेंस एंड लुक फॉर न्यू वेज टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। ठीक हो गया। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने इन्वायरमेंट की टाइप्स को डिस्कस किया और जो हमारे पास एजेंट्स हैं उनकी टाइप्स को हमने डिस्कस किया कि कौन सा एजेंट किस किस तरह से वर्क करता है। आज के लेक्चर में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।